एक दिन लेडी आई थी मेरे पास, मेरे कस्टमर थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में थे वो आए, तो उनको मैं अपना सामान दिखा रही थी, तो इतने में एक लड़का आया अंदर, ठीक है, वो परफ्यूम दो मेरे को, ये दो, तो मैंने उसको दिया, लेकिन वो बैठा रहा यहाँ पे, तो उस दीदी का पर्स था उस बैग में, काउंटर के ऊपर बैग था, उसने, हमने बाद में कैमरे में देखा कि वो चेक कर रहा था कि इस चीज़ में कुछ है, पर्स है या क्या है, उसको पता चल गया मोबाइल है, फिर वो बैठा रहा, मैंने कहा भैया लेना तो लो, नहीं तो जाओ इधर से, नहीं मैंने लेना लेना है, बाद में मैं किसी काम से उनके लिए बिजी होगी, जब उन्होंने देखा कि तीनों लेडी बिजी हो गई है, उनको भी पता था जो आए हुए थे, उनको मैंने इशारे किया कि आप यहाँ पे ही रहो, मैं सेफ महसूस नहीं करी, ये लड़का ठीक नहीं है, तो उसके बाद क्या, जब मैं थोड़ा बिजी हुई, एकदम से उसने फ़ोन अपने, जम्मू कश्मीर की पुलिस जनाब इन्ना अच्छा काम करा रही है, कुछ दिन पहले तुसे गुमर तू तस्वीर अहें तुहानू दसिया ही कि जम्मू च सब तो वड्डी चोरी साड़ी जिहड़ी जम्मू पुलिस ने कुछ समय विचों रिकवर की, और चोरां नू दर्द बोची लिया। जनाब तस्वीर च साफ तौर से तुसी दिखा रहे हो कि दो महिलाएं, उंदा इयो आखना है कि एक महीना पहले मेरी दुकान तो 10,000 रुपये चोरी होया हा, मैं कंप्लेन भी करवाई मगर कोई कार्रवाई नहीं की। और तस्वीर च तुसी साफ तौर से इस वेले दिखा रहे हो कि एक चोर दुकान च आंदा है, वो फोन चुकिए ले जांदा है। जीवन नगर दी महिलाएं इन्नी डरी गई हैं कि जनाब वो इयो आखा रही हैं कि सानू सिक्योरिटी दी जाए, साड़ी इत्थे कोई सुनवाई नहीं हो रही और ना साड़ी कार्रवाई हो रही है। अगर जेड़े इत्थे दे SHO साहब है अगर वो चाहन तो जनाब ये तस्वीर च तुसी साफ तौर से चोर दी वीडियो भी दिखा रहे हो और चोर दा फोटो भी दिखा रहे हो, पुलिस वास्ते इस चोर नू दर्द बोचना कोई बड़ी वड्डी गल नहीं है, मगर कुदे ना कुदे अगर देखा जाए तो जेड़ी इत्थे दी जेड़े SHO साहब है कुदे ना कुदे उंदी थोड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जेड़े साढ़े SSP साहब है जम्मू दे बड़ा अच्छा काम कर रहे जनाब, जम्मू की जनता तुहानू बड़ा प्यार दे रही है, मगर अगर तुस इस वीडियो नू दिखा रहे हो जनाब जरूर संज्ञान लियो, और जेड़ी जम्मू की जनता इस वीडियो नू दिखा रही है वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करे और खबर दे थल्ले अपनी राय जरूर दियो। देखो तुस वीडियो अंत तक। चौधरी, हम जीवन नगर में रहते हैं, तो मेरी शॉप भी जीवन नगर में है, तो सर एक दिन लेडी आई थी मेरे पास, मेरे कस्टमर थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में थे वो आए, तो उनको मैं अपना सामान दिखा रही थी, तो इतने में एक लड़का आया अंदर, ठीक है, वो परफ्यूम दो मेरे को, ये दो, तो मैंने उसको दिया, लेकिन वो बैठा रहा यहाँ पे, तो उस दीदी का पर्स था उस बैग में, काउंटर के ऊपर बैग था, उसने, हमने बाद में कैमरे में देखा कि वो चेक कर रहा था कि इस चीज़ में कुछ है, पर्स है या क्या है, उसको पता चल गया मोबाइल है, फिर वो बैठा रहा, मैंने कहा भैया लेना तो लो, नहीं तो जाओ इधर से, नहीं मैंने लेना लेना है, बाद में मैं किसी काम से उनके लिए बिजी होगी, जब उन्होंने देखा कि तीनों लेडी बिजी हो गई है, उनको भी पता था जो आए हुए थे, उनको मैंने इशारे किया कि आप यहाँ पे ही रहो, मैं सेफ महसूस नहीं करी, ये लड़का ठीक नहीं है, तो उसके बाद क्या, जब मैं थोड़ा बिजी हुई, एकदम से उसने फ़ोन अपने पॉकेट में डाल लिया, जब उसने वो कैमरे में देखा हमने, जब उसने पॉकेट में डाला तो अच्छा दीदी ये सामान रखो मैं आ रहा हूँ, इतनी देर उनका काम भी फिनिश हो चुका था, तो वो कहते अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, उन्होंने जब देखा मोबाइल उसमें नहीं था, फिर वो उनके पीछे भागी, लेकिन वो लड़का नहीं मिला, लेकिन एक लड़का और था कि वो देख रहा था कि यहाँ पे लेडी काम करती है, क्योंकि मेरे साथ जीवन नगर में एक और लेडी है वो काम करती है, बुटीक है उनका, उनके भी चोरी हुई थी, उनको भी देखा अकेले, 3 से 5 उनकी भी चोरी हुई, और मेरा भी टाइम यही था जब चोरी हुई, तो एक लड़का बाहर था, वो हमने कैमरे में देखा, वीडियोज़ देखी सारी, कि उसने इशारा किया कि मैं बाहर देखता हूँ और तू अंदर जा, तो इस चीज़ के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लेडी सेफ नहीं है। जीवन अंग शिक्षण केंद्र के बैक साइड ही मेरी शॉप है, न्यू शॉप खुली है मेरी, लेकिन उस दिन से मेरे को इतना डर हो गया, कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारी किसी चीज़ के लिए, सामने वाली शॉप भी बंद है, आगे वाली बंद है, अब संडे हम काम तो करेंगे लेडी, लेकिन हम कैसे काम करेंगे, ये मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहती हूँ, आप ये बताओ, इन्होंने भी कंप्लेन की है, जिस उस लड़की ने भी कंप्लेन की है, लेकिन वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहती, अब आप इनसे बात करो, इनकी भी चोरी हुई है, इनका भी बुटीक है। सर एक महीने पहले मेरी भी चोरी हुई है, मैं 3 to 5 जाती हूँ लंच टाइम घर पे, तो आया तो लॉक तोड़ दिया था, मतलब दरवाजा खुला था, तो पर्स से पैसे 10,000 था, इतने निकाल के ले गए हैं। कोई FIR वगैरह? FIR करवाई हमने, लेकिन उन्होंने कोई किया नहीं। कौन से थाने में FIR? सतवारी में। हाँ, तो पुलिस ने कोई अच्छा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, अब महीना हो गया कोई भी नहीं आया पूछने। कहना चाहते हैं कि लेडी सेफ नहीं है, ऐसे ऐसे क्या है इनका नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या बेटी सेफ है यहाँ पे? यहाँ शिक्षण केंद्र के बैक साइड पे लड़के होते हैं शाम को, ड्रग्स कर रहे होते हैं, मैंने खुद देखा, ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पता नहीं किसी को, सब अपने मस्त है कि क्या है, लेकिन हम लेडी महसूस कर रहे हैं कि हम सेफ नहीं है यहाँ पे। उस दिन के बाद तो मैं खुद डर चुकी हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से बात की घर में कि मैं अपनी प्रोटेक्शन रखूँगी इसी चीज़ के लिए, मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए कि मैं यहाँ पे अकेली काम नहीं कर सकती ऐसे। पहले ठीक था, देखो सामने वाले हैं वो भी हमारे रिलेशन में है,
ऐसी बात नहीं है, वो भी देखते हैं, लेकिन कुछ वो भी तो बिजी होते हैं ना, उनका भी काम है, वो शॉप में बिजी होते हैं, लेकिन उनको वो देखते हैं कि इनकी दुकान पे कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन उस दिन ऐसा था कि वो भी बिजी थे मैं भी बिजी थी, लेकिन वो लड़का जब आया ना तो वो मतलब उसे तब भाग गया, वो डर लग रहा था उसने किया हुआ है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाई क्योंकि अटेंड नहीं कर पाई, मेरे पास मेरी फ्रेंड थी, लेकिन मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ है इस चीज़ में, इसलिए मैंने उनको बोला कि आप रुको, आपका काम तो हो चुका, लेकिन आप प्लीज़ आप थोड़ी देर रुक जाओ कि मैं सेफ महसूस नहीं कर रही जो ये लड़का आया। फिर मैंने उसको ये भी बोला भैया कि बाहर चल दीदी, जा रहा हूँ मैं, बस निकल रहा हूँ मैं। तब मेरे को पता चला अगर ये इतना होता ना तो ये उसी वक्त बाहर चला जाता, लेकिन एक लड़का बाहर था जो ये देख रहा था कि लेडी अकेली है यहाँ पे, ये भी लेडी अकेले थे, मैं भी अकेली थी, इनका एक महीने पहले हुआ तो मेरा दो दिन पहले।